ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हमने आठवां पाठ हमारा चल रहा था गति, और गति में हमने कुछ प्रकार की गतियां पढ़ी हैं। हमने एक समान गति और असमान गति के बारे में अध्ययन किया था। हमने देखा था कि ऐसी गति जो एक समय में, एक निश्चित समय में, यानी 1 सेकंड में 50 किलोमीटर, दूसरे सेकंड में 50 किलोमीटर, तीसरे सेकंड में, यानी हर निश्चित समय में समान दूरी। अब देखिए, ये एक पर सेकंड के बाद, 1 सेकंड में इतनी दूरी, दूसरी सेकंड में इतनी दूरी, तीसरी सेकंड में इतनी दूरी, चौथी सेकंड में, तो इस तरह की गति को हमने असमान गति, एक समान गति कहा था। और अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां देखी गई थी, अलग अलग समय में अलग अलग दूरियों को असमान गति कहा। तो ये हम पढ़ चुके थे। अब देखिए, बिंदु असल में ये था कि इन गतियों को समझने के लिए हमने जो पढ़ी थी कि गति की दर का मापन किस तरह होगा, तो अब अगला बिंदु है गति की दर का मापन, यानी गति की दर किस तरह है, उसका मापन कैसे होगा, उसको किस तरह लोग हम लोग मापते हैं, गति की दर का मापन क्या है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर हम गति की दर का मापन को समझेंगे। और देखिए, बेसिकली ये सब थ्योरेटिकल है, मैं इसको एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए क्या हुआ, एक क्रिकेट मैच में एक बॉलर द्वारा 143 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बॉल फेंक दिया। एक क्रिकेट मैच के दौरान एक गेंदबाज द्वारा एक बॉल को कितनी स्पीड है, 143 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से फेंका जा रहा है। इसी प्रकार दूसरा इसके सापेक्ष उदाहरण है, एक गाड़ी खाली सड़क पर, वो कितने से, वो भी 143 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, दौड़ रही है। अब देखिए, गाड़ी सड़क पर, खाली रोड पर है, गेंदबाज इस सीमित पथ पर है, वो दोनों जो है ना समान स्पीड, समान गति है, कितनी है, 143 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति कर रहे हैं, यानी गेंदबाज को गेंद को फेंक रहे हैं और गाड़ी दौड़ रही है। अब मुझे एक बात आप बताइए, इससे आप क्या समझे, क्या ये गेंदबाज और गाड़ी दोनों समान समय में समान दूरी तय कर सकते हैं, या दी गई निश्चित दूरी को उन्होंने अलग अलग दूरियों में तय किया। देखिए, आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए, कोई भी निश्चित दूरी हमें दे रखी है, तो किसी भी निश्चित दूरी को तय करने के लिए, मैं लिख लेता हूं थोड़ा सा, देखिए, किसी भी निश्चित दूरी को तय करने में, अब किसी भी निश्चित दूरी को तय करने में क्या एक समान समय लगता है, नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता। किसी भी दूरी को, किसी भी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी, ये बात याद रखनी, अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। ये इसका मेन पॉइंट है। अब गेंदबाज देखिए गेंद को कितनी कितनी स्पीड से फेंक रहा है, 143 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और गाड़ी की स्पीड भी इतनी है। तो मैं एक बात आपको, ये बात जो मैंने बिंदु लिखाई है, आपको समझना है कि किसी भी दी गई निश्चित दूरी को तय करने में अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। क्यों, ऐसा क्यों है कि अलग अलग एक निश्चित दी गई निश्चित दूरी को तय करने में अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग समय क्यों लेती हैं? इनमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमे चलती हैं, इनमें से कुछ वस्तुएं तेज चलती हैं कुछ धीमे चलती हैं। अगर वो समान समय में समान दूरी तय करे तो एक समान गति थी, परंतु अब वो बात कह रहा है हमसे, ये बात हमें याद रखनी है कि किसी भी दी गई निश्चित दूरी को तय करने में अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। वो कैसे, इनमें से कुछ तो तेज चलेंगी कुछ धीमी चलेंगे। कुछ इनमें से तेज चलेंगे और कुछ धीमा चलेंगे। अब देखिए, ये बात आपको याद रखनी है कि समान दर से मापी, समान दर से भी गति कर सकती हैं, कुछ ऐसी हैं
एक समांदर से भी गति कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी, बिल्कुल सही बात है, परंतु ऐसा भी तो हो सकता है अलग अलग वस्तुओं द्वारा समान गति से भी तो दौड़ सकती हैं, अलग अलग वस्तुएं समान समय से भी दौड़ सकती हैं। अतः अतः क्या है, किसी निश्चित, अतः क्या करना है, याद रखना है कि अतः क्या हुआ, वस्तु की गति की दर कैसी हो, समान, वस्तु की गति की दर कैसी हो, समान। तो अब ये जो 143 किलोमीटर से तो गेंदबाज गेंद फेंक रहा है और 143 किलोमीटर से गाड़ी दौड़ रही है, तो आपको ये बात याद रखना है कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। क्या याद रखना है, वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी से वस्तु की गति का मापन किया जा सकता है। ये बात आपको समझ में, ये इसका मुख्य बिंदु है। तो क्या हुआ, अभी क्या पढ़ा हमने, याद रखना है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, उस वस्तु की गति की दर उससे प्राप्त की जा सकती है। जैसे अब वो किसी हो सकते हैं, मीटर पर सेकंड हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकती है, ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड हो सकती है। तो ये मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, ये क्या है, ये इनकी दर का मापन करती है। तो क्या याद रखना है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के द्वारा हम किसी वस्तु की चाल को माप सकते हैं। ये मापी गई जो दूरी है ना, इसी को तो चाल कहते हैं, ये क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, जिसको किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड में या सेंटीमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड। तो इससे क्या समझ में आया कि एक गेंदबाज द्वारा 143 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो फेंकी गई गेंद है और गाड़ी की जो सड़क पर, खाली सड़क पर जो स्पीड 143 किलोमीटर है, ये क्या है, ये बात याद रखनी है कि किसी भी निश्चित दूरी तय करने में अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती हैं, क्योंकि उनमें से कुछ तो तेज चलती है, कुछ धीमी चलती है, परंतु याद रहे कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। इसके द्वारा हम वस्तु की गति का मापन कर सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं। और चाल का मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड हो सकती है, 3 मीटर पर सेकंड हो सकती है, किलोमीटर पर सेकंड। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गति की दर का मापन कर सकते हैं। गति की दर का मापन किस तरह किया जा रहा है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी, जिसे क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, और चाल को मापते किसमें, इसमें इसमें। तो इस तरह से हम गति की दर का मापन कर ले। ऐसे हमने गेंदबाज की जो स्पीड थी 143 किलोमीटर वो माप ली निश्चित समय में तय की गई दूरी, इसी प्रकार गाड़ी की चाल जो, ये भी हमने किससे मापी है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को उसकी से उसकी गति का मापन कर सकते हैं, जिसे उसकी हम चाल कहते हैं। और चाल को किसमें मापा जा सकता है, मीटर पर सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आगे देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, इसको हम किसी उदाहरण से लेते हैं। देखिए अधिकतर हमने देखा है कि वस्तुओं में अलग अलग गति, वस्तुओं में अलग अलग गतियां होती हैं, इसलिए चाल के रूप में उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। अब उसकी अगर हम औसत चाल देखें तो उसकी औसत चाल कैसे ज्ञात की जा सकती है, औसत चाल बराबर होता है तय की गई दूरी, जगह नहीं थोड़ा सा बता देता हूं, बाकी तय की गई दूरी बचे समय, अभी समाप्ति वही है औसत समाप्ति। इस सूत्र के द्वारा हम उसकी गति के दर का मापन कर सकते हैं, औसत चाल बराबर तय की गई दूरी बटे उसमें लगा समय, इसके द्वारा हम उसकी जो गति की दर है उसका मापन कर सकते हैं, यानी गति की दर का मापन इससे आसानी से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, बात करें ये एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी, इसी प्रकार क्या काम करें, एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी चाल क्या होगी, v बराबर
ऐसा कौन सी होगा ना, ये हमने पढ़ रही है पहले से, पढ़ा था उसमें पहले समीकरण, गति के जो तीन समीकरण हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसको एक और अन्य उदाहरण से हम लोग समझते हैं। उदाहरण क्या है, आइए एक उदाहरण के द्वारा समझे। एक कार 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए, एक कार 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। को ध्यान दे रखा है, एक कार 2 घंटे में कितनी, 50 किलोमीटर की दूरी। अब देखिए, ये समझने वाली बात इसमें यह है कि एक कार 2 घंटे में, अब मैं इसको 100 किलोमीटर कर लेता हूं, इससे स्पष्ट इस हो जाएगा। यानी एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर है। ठीक है, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब मुझे ये बताओ, इसकी औसत चाल क्या होगी? जब 2 घंटे में 100 करती है तो 1 घंटे में कितनी करेगी, 50 किलोमीटर। तो ये जो 50 किलोमीटर है, ये इसकी औसत चाल होगी कि नहीं होगी? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप हल करके देख लो। कैसे, हमने अभी पढ़ा था औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटे उसमें लगा समय। तय की गई दूरी कितनी है टोटल, 100। समय कितना लगा है, 2, 50। औसत चाल आया कि नहीं आया, 50। तो इस तरह से हम इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय की जाती है तो उसको आसानी से समझा सकता है। इसी प्रकार देखिए, एक अन्य उदाहरण है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। एक वस्तु, मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। एक अन्य उदाहरण देखिए, क्या कह रहा है हमसे, देखिए हूँ, कह रहा है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। कितने सेकंड में, 4 सेकंड। फिर क्या कह रहा है, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। और कह रहा है दोबारा से पुनः 16 मीटर की दूरी, समय घटा दिया कितना, आप 2 सेकंड में तय करती है। फिर क्या कह रहा है, करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी, हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी। कह रहा है करती है वस्तु की औसत चाल, औसत चाल का सूत्र आपको पता है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी पूछ रहा है। अब तुम दिमाग लगाओ कैसे कैसे करें भाई, औसत चाल पूछ रहे हैं हमसे, तो कैसे करें। देखिए, आपको पहले, सबसे पहले तो वस्तु की कुल दूरी तय कर लेते हैं हम। देखिए, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है, पहले इसने 16 मीटर और 16 और 16, 16 मीटर प्लस 16 मीटर कितना, 32। ठीक है, ये तो है वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 16 और 16 32। समय कितना है, कुल समय पहले कितने सेकंड था, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड कितना हो गया, 6 सेकंड। ठीक है, अब औसत चाल निकाल लो। औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय, या लगा समय एक ही मतलब है। ठीक है, कुल
कुल दूरी कितनी है? 32। समय कितना है? 6। भाग दे दो उसमें। ठीक है, 6 18। तो ये टोटल निकल के आया है इसका, तो ये बात आपको याद रखनी है। इस तरह से हम औसत चाल निकाल सकते हैं किसी भी, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इसमें इकाई लगा दो मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी वस्तु की गति के दर का मापन कर सकते हैं, इसके औसत चाल को निकाल सकते हैं।